अभी तक अंगूठा नहीं आया। शुक्र है आज मैं अकेला ही कार्यक्रम पेश करूंगा। तो दर्शकों आप सबका स्वागत है परिहास में, और मेरा भी आदम का। अब मैं अपना स्वागत कराने से पहले दर्शकों का स्वागत कर और अपने आप को स्वागत योग्य बना। यही बात तो समझ नहीं आ रहा मुझे कि योग्य कैसे बनूं। अगर तू अगर योग्य है तो दुर्व्यवहार का मतलब बता। दुर्व्यवहार यानी कि बुरा व्यवहार, यानी कि दूर दूर करके व्यवहार करना। तू तो शब्दों की टांग तोड़कर भी सही मतलब बता रहा है। अगर तुझे दुर्व्यवहार का मतलब पता ही है तो मेरे से दुर्व्यवहार क्यों करता है? खैर छोड़ इन बातों को। आज मैं बहुत सारे काम की बात लाया हूँ। जैसे आप चाह के भी अपने दिमाग को बदल नहीं सकते। पहले ये तो पक्का कर ले कि तेरे पास दिमाग है। मेरे को मालूम है दिमाग यहाँ नहीं, यहाँ होता है। इस मामले में तो तेरा दिमाग बड़ा चलता है लेकिन तुझे घर पे नहीं चलती। पता है जब मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा होता है ना तो कम से कम बच्चे तो मेरा ही साथ देते। बेचारा पत्नी पीड़ित। बच्चे बड़े समझदार हैं क्योंकि पीड़ितों का साथ हमेशा देना होता है। देख मैंने उसे खुश करने के लिए ना साझा खाता खोल रखा है। अच्छा। मैं जमा कराता जाता हूँ, वो निकालती चली जाती है। पहले तो उसे खाते में से पैसा निकालना ही नहीं आता था। अच्छा। मैंने उसे सब समझा दिया कि चेक कैसे लिखते हैं, तारीख कहाँ लिखते हैं और नीचे जहाँ हस्ताक्षर होते हैं ना, मैंने उसे समझाया क्या यहाँ वैसा ही नाम लिखना जैसे शादी से पहले ना तू मुझे खतों में लिखा करती थी। तूने समझाया। तो फिर ये बता कि पहला चेक कितने का कटा था? अरे वही तो बता रहा हूँ, बता। पहले ना उसने क्या करा, 500 रुपए में 10 फालतू लगा दी। अच्छा। और नीचे जहाँ हस्ताक्षर करते ना मालूम है क्या लिखा? क्या? तुम्हारी प्यारी गुम। जैसे शादी से पहले खतों में लिखती थी वैसी। चेक गलत हुआ तो क्या हुआ, मेरी तो बचत हो गई। अरे बचत तो करता है अपना हरीश। कैसे? उसने आज तक अपने नौकर को तनख्वाह नहीं दी। जैसे मांगता है कहता है कि मैं जमा कर रखा है, और जब वो 4 महीने बाद इकट्ठे पैसे मांगा तब उसने उसको मार मार के बाहर कर दिया। तो क्या उसने रिपोर्ट लिखवाई? नहीं, उस दिन मुझे रास्ते में मिल गया था बेचारा। अच्छा। जब मैंने उसको समझाने की कोशिश की, मुझे बोला हम तो छोटी जाति के हैं, अपनी मेहनत मजदूरी की पैसे भी हमें नहीं मिलते, हमें ऊंची ऊंची बातें मत बोला करो, सिर्फ हमारे 4 महीने की तनख्वाह हमें दिलवा दो। तो फिर तूने क्या किया? मैं उसको ले गया हमारे मुखिया के पास, क्योंकि आजकल तो सबकी सुनवाई हो रही है, क्योंकि वोट जो आ रहा है। चुनाव के दिनों में ही आता है, पहाड़ ऊंट के नीचे। पहाड़ ऊंट? ये ऊंट पहाड़ के नीचे। वही 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 वही। हाँ, ये वोट का चक्कर भी अच्छा है, अपना खुमा भी इसी वोट के चक्कर में मारा मारा फिर रहा था। क्या हुआ खुमा को? देख लो, खुद ही देख लो। ये वोट क्या होता है? वोट? मैं तुझे क्या लेना देना वोट से? है तेरे मतलब की चीज नहीं। सर हट। भैया डांट क्यों रहे हो? पूछ ही तो रहा हूँ। अब जवान भी लड़ाने लगा है, वोट देगा वोट? कौन के नीचे दूंगा घुमा के? आया वोट पूछने वाला। हट। माखन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, माखन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। काकी पाई लगी। काकी तुम्हें पता है ये वोट क्या होता है? क्या बोला? वोट क्या होता है काकी? अरे जरा ऊंचा बोल, ऊंचा। काकी वोट, वोट के बारे में पूछ रहा हूँ। चोट? अरे किसको लग गई चोट? अरे चोट नहीं काकी, वोट, वोट। अरे क्या बोला? खोट? किसका खोट? काकी क्या चोट वोट खोट? अगर इसी में लगा रहा तो चल गया पता क्या है वोट। इससे पहले काकी जाओ तुम लौट लौट। पता नहीं कोई बताता भी नहीं, क्या करूं। अरे चाचा पाई लगी, आज तो बहुत दिनों बाद नजर आए। कहाँ जा रहे हैं? बेटा जरा बाजार जा रहा था। अब चाचा तुम ही बताओ ना ये वोट क्या होता है? अरे तुझे क्या जरूरत पड़ गई वोट के बारे में जानने की? अरे तू अभी बच्चा है, तू नहीं समझेगा। बेटा मेरा कहना मान, तू इससे दूर ही रहे तो अच्छा है। हाँ क्यों, बहुत खतरनाक है क्या?
बस यही समझ ले तू, ये बड़े लोगों का काम है, ये वोट चुनाव हार जीत ये हमारे बस की बात कहाँ है भाई। ए, हम तेरे छोटी जाति के लोग, अपना इससे क्या लेना देना। चाचा ठीक से बताओ ना, तुम तो पहेलियां बुझा रहे हो। मैं ठीक कह रहा हूँ, तो इन चक्करों में मत पड़, मेहनत मजूरी कर, अपना पेट पाल, यही हमारी किस्मत में लिखा है। अच्छा किसी चीज के बारे में मालूम करना हो तो पूछ भी नहीं सकते क्या? पूछ जिससे पूछना है, पूछ जिससे पूछना है। एक वोट एक अबे तुझे वोट के बारे में क्या जानना है? तेरा बाप चुनाव में खड़ा हो रहा है क्या? अबे एक बात बता, तेरे दिमाग में ये वोट की बात कैसे बैठ गई? मुझे तो ये लगता था कि तुम लोगों में दिमाग होता ही नहीं है। चल एक काम कर, इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ वोट किसे कहते हैं। वोट किसे कहते हैं ये तो मैं तुझे बता दूंगा, पर पहले ये पकड़ फावड़ा और जाके जरा वो मेड़ बना दे। अच्छा फिर बता दोगे भैया? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी आता हूँ। आओ भाई आओ। क्या हो रहा है भाई, बड़ा आराम भरमा रहे हो? कुछ नहीं यार, देख शहर में तो अपने बस का है नहीं, तो मैंने सोचा अपनी जायदाद पर ही ध्यान दे लूं। ये बताइए जमूरा कौन है, नया रखा है क्या? देख नहीं रहा, वोट की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। किसे दे रहा है? अरे इसी जमूरे को, पूछता है भैया वोट किसे कहते हैं, अब इनको भी वोट और चुनाव के बारे में जानना है। अरे हमारे बाप दादा इनको अपनी जूती की नोक पर रखते थे ना, तब ये ठीक रहते थे। तो मैंने भी कहा पहले मेरी मेड़ बना फिर बताऊंगा वोट किसे कहते हैं। क्या बात है भुवन, क्या बात है, तुम अपने खानदान के सच्चे उत्तराधिकारी हो। भैया काम खत्म हो गया, अब आ जाएं? हाँ हाँ आ जा आ जा, अभी तो बहुत काम बाकी है। लगता है आज अच्छी तरह से इसे वोट बता के रहोगे। अरे एक बात बता, दारू पीता है? नहीं नहीं भैया, हम ये सब नहीं पीते। अरे तुम दारू नहीं पीते तो पता कैसे चलेगा कि वोट क्या है? अच्छा इसके बिना नहीं पता चलेगा? नहीं देख, जब तू दारू पी लेगा ना तब तुझे पता चलेगा कि वोट किसे कहते हैं। अच्छा पी पी। आया मजा? भैया बहुत मजा आ रहा है। ले और दारू पी। बहुत मजा आ रहा है भैया। और एक बात बता, गांव में तूने झंडे के ऊपर बकरे का निशान देखा है? हाँ वो तो मलखान सिंह का है। चुप, चाचा का नाम लेता है? नहीं भैया नाम का लिए, हम तो बस वैसे ही बोल रहे थे। एक बात कान खोल कर सुन ले, जब भी तू वोट डालने जाएगा तो सिर्फ बकरे पर मोहर लगाना, ब से बकरा और ब से वोट। समझ गया भैया, ब से बकरा ब से वोट। हाँ। ले पी और मस्त रहे। कल फिर आएंगे भैया। हाँ बस से बकरा बस से वोट, वोट लगेगी बकरे पे, बकरे पे मलखान सिंह के बकरे पे, वोट तेरा बकरे पे। अरे दारू पी का है? नहीं मैंने दारू नहीं पी, मैंने सोमरस पिया है। चाचा ये तो कति बावड़ा हो गया, दारू पी क्या है, बोले सोमरस पी के आया हूँ। तुम लोग वोट वोट करते रहते हो, असली बात तो किसी को पता ही नहीं है। वोट का पता है क्या होता है वोट? हाय राम, किसी तो किसी ने शराब पिला दी है। नहीं शराब नहीं, आज मैंने जिंदगी का असली रस पिया है। मैं बताता हूँ तुम्हें क्या होता है वोट, वोट होता है बकरा, मलखान सिंह का बकरा। अब मैं समझ गया, कल ये भुवन के साथ गया था
और मुझसे वोट के बारे में भी पूछ रहा था, उसी ने इसे शराब पिलाई है। अरे मुझे तो लगता है कि कोई इसके ऊपर ऊपरी चक्कर है, ऊपरी। गलत, नहीं, मुझे उसने नहीं पिलाई, मैंने खुद पिया और उसने मुझे वोट के बारे में भी बताया है। मैंने तुमसे भी तो पूछा था चाचा, पर तुमने मुझे नहीं बताया, तुम्हें याद है? अरे ये तो चोट चोट कर रहा था, वोट वोट कहाँ पूछ रहा था। मैं बताता हूँ वोट का मतलब क्या है। मलखान सिंह के झंडे पे जो बकरा बना है वो है वोट, वोट। हरिया चाचा देखो ये क्या बकरा है। ये बक नहीं रहा है, ये कुछ कह रहा है। बस बकरे पर मोहर लगाना तो वोट माना जाएगा, नहीं तो वोट बेकार। बकरा बस बकरा बस। देखा भैया, ये ऊंची जाति वाले लोग हमारा किस तरह मजाक बनाते हैं और हम सब चुपचाप इसे सहते हैं। भोन ने इसे दारू पिलाई और कहा है कि मिलखान सिंह के बकरे पर मोहर लगाना उसी का वोट माना जाएगा और किसी का नहीं। हाँ हाँ क्यों नहीं, उस डाकू मलखान सिंह को जिता लो, हमें तो ये लोग उल्लू बनाकर पहले तो वोट मांगते हैं और जीतने के बाद सारा रुपया डकार जाते हैं और हम गरीबों का खून चूसते हैं, खून। जैसे हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं समझते। अरे जैसा वो लोग कहते हैं हमें मानना पड़ता है, हमारा फायदा उठाते हैं ऊंची जाति वाले। और इसीलिए मैं तुम सबसे कहता हूँ कुछ पढ़ लिख लो, जो आज खुम्मा पर बीती है कल कहीं तुम पे ना बीते। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, ठीक। देखा आपने खुमा के साथ क्या हुआ, यह देश में आए दिन हर पिछड़े वर्ग वालों के साथ हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो उन पर हो रहे दुर्व्यवहार को सहते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में ठीक से पता ही नहीं। देखो जब जागृति आएगी ना तो अत्याचार करने वालों की भी आंखें खुल जाएंगी। एक कवि ने कहा है, जिन पेड़ों की छांव में काला पड़े गुलाल, उनकी अब तो बावरे जर में मट्ठा डाल। मैं तो हैरान हूँ ये समानता का नारा लगाने के बाद भी ये ऊंच नीच जात पात का खेल क्यों चल रहा है। सच सच बता, ये सफलता विफलता पति पत्नी की तरह हमेशा साथ साथ क्यों रहते हैं? अरे पति पत्नी के बारे में तुझे क्या पता, और तुझे अंदर की बात तो पता ही नहीं है। कोई क्या, एक बार वो 700 रुपए का खास जैकेट मेरे लिए लेके आई। वो मतलब हमारी भाभी ने? और जब तूने पहनी तो क्या बोली? मैंने उससे पूछा भाई तुम मेरा मूल्य आंक सकती हो, तो उसने कहा हाँ 702, यानी कि 700 रुपए की जैकेट और 2 कौड़ी का। ये 2 कौड़ी का मुहावरा है क्या? उस दिन 2 व्यक्तियों में लड़ाई हो गई थी इसी बात पे उतर आए वो। एक ने जाति सूचक शब्द कह दिया और दूसरों ने कहा 2 कौड़ी का। पिछड़े वर्ग के लिए सरकार ने इतनी योजनाएं बनाई है कि वो शान से सर उठा के जिए, और अगर कोई उन्हें अपमानित करे तो उसे कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। अब तू अपनी ही हाँकता रहेगा या इस विषय में किसी विशेषज्ञ से मिलाएगा भी? हाँ, इस बात की पुष्टि करेंगे हमारे आज के मेहमान। जैसे आर्टिकल 46 में है, खास करके लिखा हुआ है कि यूं तो इस देश में किसी भी नागरिक के लिए अलग से सोचना गलत है, परंतु अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया है, इसलिए इनके लिए शिक्षा के अधिकार, इनके लिए नौकरियों के अधिकार, इनके लिए आर्थिक विकास के अधिकारों को की रक्षा के लिए बहुत सारे संविधान के अंदर ऐसे ऐसे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, कोई तकरीबन 17-18 आर्टिकल ऐसे हैं जो इनकी प्रोटेक्शन करेंगे। उसको लेके अनुसूचित जाति के लोगों का एक स्पेशल क्लेम बनता है कि जहां शिक्षा में हमें अधिकार नहीं मिलता वहां हमें अधिकार देना सरकार का काम है। 3 मुद्दे हैं जिसमें अनुसूचित जाति दबी हुई है, गरीबी, अनपढ़ता और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अवसर। ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिनमें सबसे ज्यादा पछड़े हुए लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के और महिलाएं हैं। इसलिए साक्षरता पहली सीढ़ी है इंसान के मानसिक विकास के लिए और आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। आज भी प्राइमरी लेवल पर 85-90% बच्चे जो हैं वो प्राइमरी स्कूल पास नहीं कर पाते हैं, गिर जाते हैं।
मैट्रिकुलेशन में बहुत सारे बच्चे जो हैं, मुश्किल से 5% बच्चे हैं जो मैट्रिकुलेशन एसएससी पास करके कॉलेज तक पहुंचते हैं। तो ऐसी दयनीय हालत किसी दूसरे समाज की नहीं है जब हम दूसरे समाजों के साथ इसको मिला के देखते हैं। जब तक कोई एक ऐसा अंश ना जोड़ा जाए जिसमें माता पिता को मजबूर किया जाए कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा ही, आज तो वॉलंटरी है, भेजे ना भेजे। और गरीबी इतनी है अनुसूचित जाति के लोगों में कि माँ बाप चाहता है कि जैसे ही बच्चा थोड़ा चलने फिरने वाला हो मजदूरी करे। ये जो आर्टिकल 338 का प्रावधान किया है जिसके अंतर्गत ये कमीशन बना है, ये कमीशन सरकार के नीचे नहीं है, ये कमीशन सीधा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है और इनके जो हक हैं, इनके जो राइट्स हैं, उसका संरक्षण राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 338 में 3 धाराएं ऐसी हैं, उसमें क्लॉज 5, क्लॉज 8, क्लॉज 9 ऐसी हैं। क्लॉज 5 के अंतर्गत जिनके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है वो हमारे कमीशन के पास आ सकते हैं और कमीशन उनकी सुनवाई कर सकता है। आर्टिकल 8 में सब क्लॉज 8 में हमें एक कचहरी की पावर दी गई है कि हम बकायदा इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, एफिडेविट ले सकते हैं, विटनेस बुला सकते हैं, बड़े से बड़े अफसर को समन कर सकते हैं और सुनने के बाद हम फैसला दे सकते हैं। आर्टिकल 9 के सब क्लास 9 के अंतर्गत जब भी कोई सरकार कोई नई नीति का निर्धारण करती है तो उसमें कमीशन को पूछना चाहिए। इस कमीशन को ये ड्यूटी दी गई है, फंक्शन दिया गया है कि जितने आर्टिकल हमारे संविधान में लिखे हुए हैं इनके संरक्षण के, उनके ऊपर अक्षर अक्षर अमल हो और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है और लोगों में आगे बढ़ने की हिम्मत आई है और लोग कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। आईपीएस आईएएस में तभी तो आ गए, मेहनत करके आए हैं, मजदूरी करके आए हैं, कर्जा लेके आए हैं, गवर्नमेंट ने मदद की है, वो भी एक बहुत अच्छा काम है। इतनी सुविधाएं, इतनी योजनाएं, खुल के हंस सके वो भी, जमाना हुआ जिन्हें मुस्कुराए। अलूठे मुस्कुराने पे बात याद आई, कल तो मजा आ गया। कल मेरे दोस्त ने मुझे उसके घर खाने पे बुलाया और जब मैं वहां पहुंचा तो देखा दरवाजे पे इतना बड़ा ताला लगा हुआ था और उस पे एक पर्ची पे लिखा हुआ था घर पर कोई नहीं है। मैंने भी चालाकी की, उस पर्ची के नीचे लिख दिया कि मैं यहाँ आया ही नहीं था। जब अक्कल बढ़ रही थी तू कहाँ था? तभी तो मैं तेरे ही साथ था। देख अक्कल आती है जानकारी से और तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि अब धीरे धीरे जागृति बढ़ रही है। सरकार गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए अनेक सुविधाएं जुटा रही है, अब कोई छोटा नहीं है। अपनी मंजिल को पाने के लिए सरकार की अनेक योजनाएं मदद कर रही है। समाज से जुड़े होने के बावजूद भी समाज से कटा हुआ पिछड़ा वर्ग है अनुसूचित जाति एवं जनजाति। इन लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या इतनी विकट है कि शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरत की ओर इनका ध्यान ही नहीं जाता। अशिक्षित होने के कारण वे समझ ही नहीं पाते कि उनके अधिकार क्या हैं और वे यूं ही निरंतर शोषण का शिकार क्यों हो रहे हैं। स्कूल में भर्ती होने के बाद भी पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी अधिक समय तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। कारण सीधा सा है, गरीबी और अज्ञानता। इन आंखों में शायद कभी आशा की चमक ना दिखाई दी हो पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बीड़ा उठा चुका है इस वर्ग के उत्थान का, इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पढ़ाया जा रहा है ताकि उनमें आत्मविश्वास पैदा हो। जिला साक्षर समितियों के प्रेरक गांव-गांव जाकर निरक्षरों को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें शिक्षा का महत्व समझाते हैं, विशेष रूप से महिलाओं को। साक्षरता कार्यक्रम के विस्तार में गुणात्मक सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाती। इसका एक प्रमुख कारण है इन महिलाओं की ये सोच कि साक्षरता से उन्हें कोई सीधा लाभ तो होगा नहीं, पर हमारे अनुभवी प्रेरकों का प्रयास रंग ला रहा है। जन शिक्षण संस्थान शिक्षा को सुदूर गांवों और बस्तियों तक पहुंचा रहे हैं। मोहाली के पास स्थित गोलू माजरा की हरिजन बस्ती के इस शिविर में महिलाएं फुलकारी का काम सीखने आ रही हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आर्थिक अनुदान सरकार से मिलता है और सहयोग स्थानीय समुदायों से। इस दिशा में गैर सरकारी संस्थानों का योगदान भी कुछ कम नहीं। महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण बहुत उपयोगी है। वे अपने ही समुदाय व अपने ही क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ऐसे कार्यों में जुट जाती हैं जिससे उन्हें कुछ आर्थिक लाभ भी हो।
ऐसे काम जिनमें लागत कम हो और मांग अधिक। जन शिक्षण संस्थाओं की ओर से समय समय पर प्रदर्शनियां भी लगाई जाती हैं, जहां इनके द्वारा बनाए गए सामान के लिए बाजार की संभावनाएं तलाशी जाती हैं। इन प्रदर्शनियों से कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी होती है। इससे न केवल साक्षरता मिशन आम लोगों को अपने अभियान से जोड़ पाता है, बल्कि यहाँ विचारों का आदान प्रदान भी होता है और इसी से नई आवश्यकताएं व संभावनाएं भी सम्मुख आने लगती हैं। किसी भी वर्ग की उपेक्षा करके समाज का विकास संभव नहीं। हमें पिछड़े वर्ग एवं उनकी भूमिका का सम्मान करना होगा। उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कानूनी प्रावधान तो हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अपने हक नहीं मिल पा रहे। नए युग की आवश्यकताएं और अपेक्षाएं बदल रही हैं, अतः लोगों का उपेक्षित एवं पिछड़े वर्ग के प्रति दृष्टिकोण बदलना जरूरी है। समय की मांग है कि अनुसूचित जाति के इन साक्षर, समर्थ और सशक्त किया जाए। वे ऐसे बने कि चुनौतियों से मोर्चा ले सकें। प्रतिकूल परिस्थितियों से वे युगों से जूझते आए हैं। शिक्षा ही उन्हें नई दृष्टि, नई जागृति दे सकती है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का साक्षरता अभियान कटिबद्ध है कि वो उन्हें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा और इस ओर बढ़ते सार्थक कदम पारस्परिक खाइयों को पाटकर नव जागरण का उद्घोष करेंगे। ये वे आधार स्तंभ हैं जिन पर राष्ट्र की प्रगति की नींव टिकी है। आज वे आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक दास्तां से उबरकर संगठित हो रहे हैं। ताजा आंकड़े तो ये भी संकेत देते हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रयासों से उनकी जीवन शैली में बदलाव आने लगा है। फिर भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अभी और अधिक प्रयास अपेक्षित हैं। चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रणनीति है जिला साक्षरता समितियां। कुरीतियों से लड़ने के लिए जरूरत है इसे एक आंदोलन का रूप देने की। कुछ क्षेत्रों में इस वर्ग के लोगों में पढ़ने के प्रति उत्साह भी है, जागृति भी है, किंतु मनोबल तोड़ने वाली परिस्थितियों से जूझते हुए वे हताश नहीं हुए। उनमें भी बाहर निकलने की चाह है। खुली हवा में सांस लेने और कुरीतियों और कुप्रथाओं के बोझ को उतार फेंकने को वो भी आतुर हैं। अन्याय का विरोध करने की उनमें भी क्षमता जगी है। आवश्यकता है औरों में भी इनके प्रति सम्मान की भावना जगाने की। पोगापंथी लोग प्रगति की राह के रोड़े न बने, इसके लिए भी सक्रिय होना जरूरी है और उन्हें उपलब्ध कराए रोचक, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक सामग्री। ऐसी गतिविधियां संचालित की जाएं जिससे वे आगे बढ़ें। उन्हें उनके क्षमताओं के अनुसार अवसर मिल रहे हैं। प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा आर्थिक मदद का भी विशेष प्रावधान किया गया है। उन्हें एक गरिमामय, सम्मान पूर्वक जीवन जीने, जागरूक और सचेत करने के लिए तत्पर है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। संपूर्ण शिक्षा के साथ सतत शिक्षा उन्हें दे रही है नई दृष्टि और नई दिशा भी। भाई वाह, बहुत खूब। जिस तरह अपनी निष्ठा और लगन से इन्हें सफलता मिली, वो दूसरों के लिए प्रेरणा है। लेकिन इन सब बातों में जो सबसे अहम बात है वो ये कि इंसान को खुद पर यकीन होना चाहिए। जाति और धर्म के बंधन से इंसान की सफलता और विफलता का कोई संबंध नहीं। सच कहूं, बहुत लिफ्ट कराती है ऐसी योजनाएं। वैसे एक बात पूछूं, तेरे घर की काम वाली बाई ने भी तो आजकल आना बंद कर दिया है। मुझे लगता है तेरा व्यवहार भी कुछ ठीक नहीं था। तुझे कैसे पता? नहीं, वो उस दिन तू फोन पे जोर जोर से डांट रहा था ना, मैंने तभी सोच लिया शायद कुछ गड़बड़ है। अरे उस दिन तो बहुत बुरा हुआ भाई। घर पहुंचा तो बीवी ने कहा, ए जी, तुमने काम वाली बाई से ऐसा क्या कह दिया, वो काम छोड़ के चली गई। तो मैंने सोचा है फोन पर तुम नहीं वो थी। क्या तुझे ये अधिकारों पे आक्रमण करने की सूझी कैसे? तू तो कहता था कि तू पत्नी पीड़ित है, अब तू ये बता कि खड़ी खड़ी तूने फोन पे सुनाया कैसे? बस 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 बस, मेरी घरेलू बातों पे शुरू मत हो जा। आज के दिन तो उसने शिवरात्रि का व्रत रखा है, कम से कम आज के दिन तो उससे कुछ ना पूछना। अच्छा, वैसे एक बात बता, ये शिवरात्रि हम मनाते क्यों? उस दिन शिव जी की शादी हुई थी या उन्होंने जहर पिया था? भाई दोनों में कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। जब तेरी बारी आएगी तुझे समझ आ जाएगी। 7 जन्मों में पता नहीं किस जन्म में मेरी बारी आएगी, लेकिन जब भी बारी आएगी और अगर वो समझदार हुई तो थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन तब तक तुझे समझ आ जाएगी। तब तक? हाँ। क्या मतलब? अगर वो समझदार हुई तो दो बातें होंगी, या तो तुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी, और अगर नहीं करेगी तो अच्छा करेगी, और करेगी तो दो बातें होगी, उसका बाप तेरी फोटो मंगाएगा
और वो इधर उधर अपराधियों से तेरी फोटो मिलाएगा, तो फोटो मिलवाएगा तो अनूठे क्या होगा मेरा? तो वो तेरे हाथ का छापा मंगवाएगा, तेरी उंगलियों की शिनाख्त करेगा और तेरी सगाई की अंगूठी बनवाएगा। ये तो चाहता हूँ मैं अनूठे, लड़की पढ़ी लिखी हो और जात पात कुछ भी चलेगा। अच्छा हाँ। शाबाश अंगूठे शाबाश, जात पात और ऊंच नीच की दीवार टूट जाए और भेदभाव खत्म हो जाए तो ये जाति प्रथा हो जाए। सही में ये जाति प्रथा हो जाए। और अब हम भी इजाजत लेते हैं, हम भी जाति जाति नहीं जाते। नमस्कार, नमस्कार।